सरकार साहबान का मैं स्वागत करदा। असी अज कैबिनेट दे विच कुछ महत्वपूर्ण फैसले शहरां दे पिंडां दे लोकां वास्ते अच्छे फैसले ले। मैं जब अपोजिशन लीडर सीगा तां साढ़े एक पिंड है सीहो माजरा, उत्थे मैनू बीबिया ने रोक लिया। अखे जी चार दिन हो गए साढ़े पिंड दे विच पानी नहीं आया, खबर लगी सी गया मैं वैसे तां सी उत्थे, बीबिया ने रोक लिया मैनू कि जी साडा कनैक्शन कट हो गया है, जिहड़ा साडा पिंड दा ट्यूबवैल है उहदा साडा बकाया जमा नहीं होया, इस करके साडा कनैक्शन कट्टिया गया, साडा तां पानी रुकिया होया, सानूं नहाउण ते औखे है। कारण क्या सी कि पिंड दी पंचायत टैंकी नूं चलाउंदी है, टैंकी दा बिल काफ़ी समय तो लमकिया होया सी, पिंड समर्थ नहीं सी जमा करवाउण दे, और बिजली वाले कनैक्शन कट गए। सरकार अकाली दल दी सीगी तां तुसीं उहनां दिनां शायद फोटो भी अखबारां 'च देखी होवे, मैं आप खंभे पर चढ़ के मैं कईयां नूं कहा यार लगा दो कनैक्शन, मैं खड़ा कोई गल नहीं देख लाँगे, लेकिन हर कोई डरदा चढ़े ना, सरपंच नूं कहा कहिंदा मैं भी नहीं चढ़दा जी। अल्टीमेटली पानी तां पिंड 'च पहुँचाउणा सी, मैं आप खंभे पर चढ़ के उहनां दा कनैक्शन लगाया। ये 2016 दी गल है जद मैं ओपोजिशन लीडर सी, जद मैं सोचिया सी कि जिस तरह असी किसानां दियां 50, 60, 100 या 200 हर पिंड दे विच मोटरां दा बिल माफ कीता होया है, उसे तरह पिंड दे जिहड़े सिटीजन है चाहे वह किसे वर्ग दे है उहनां नूं जिहड़ी पानी दिंदी है मोटर उहदा भी बिल माफ करा। सेम शहरां विच भी है स्थिति। सो अज असी एक महत्वपूर्ण फैसले दे नाल शहरां दे विच जिहड़े पानी दे रेट है वह फ्लैट रेट किया है, तो उहदे विच 700 करोड़ रुपये दे बकाए है जिहड़े लोकां दे खड़े है, 700 करोड़ समर्थ ना होण करके दे नहीं रहे लोग, इस करके असी वह 700 करोड़ रुपये पर अज लीक मर रहे हैं, पुराने पानी दे बकाए सारे शहरां दे माफ कर रहे हैं। ते जेड़ा पानी दी टैंकी पर ट्यूबवैल लग्या होया, मेरे खंड शहर दे विच मैं रहिंदा 45 ट्यूबवैल है, उहनां दे सारयां दे बिल अगे तो पंजाब सरकार भरे करेगी, तो कमेटियां ते उसका लोड नहीं पएगा, लोगों ते उसका लोड नहीं पएगा। हुण रेट है जिहड़ा 125 तक गज दे प्लाट तक माप है वह उसे तरह माप रहेगा, लेकिन उस तो उपर दे जिहड़े है वह पहला बख बख रेट है, 105 रुपये है, फिर 150 है, फिर 250 है, फिर 300 है, प्लाट के साइज के नाल बढ़ते हैं, उन्हां सारयां नूं फ्लैट करके 105 रुपये जिहड़ा मिनीमम रेट है उहनूं भी असीं अध तों घट ले आए हैं, 50 रुपये असीं रेट फिक्स करता पूरे पंजाब दे विच, सिर्फ 50 रुपये देंगे। ये भी साडी केंद्र सरकार दे नाल पंजाब सरकार ने पहला एक कमिटमेंट करी भी है कि जिहड़े सरकार दियां केंद्र दियां ग्रंटां आउंदियां उह कहिंदे जी तुहानूं यूजर चार्जेस लेने पैणगे, उस तहत सानू 50 रुपये मिनीमम लेने पैने, इस करके असी 50 रुपये मिनीमम रेट जिहड़ा उह पिंडां अते शहरां वास्ते फिक्स कर रहे हैं। इस तरह एक बहुत बड़ी राहत शहरां दे हर वर्ग दे हर परिवार नूं असी दे रहे हैं, जिहड़ी कि 700 करोड़ रुपये असी उहनां दा पानी दा बकाया माफ कर रहे हैं। ते नाल इस दे मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि पिंडां दे विच पानी दियां टैंकियां दे बिल जिहड़े कि पंचायतां दे खड़े है, मेरे इलाके दा पिंड है कड़ूआ, 1 करोड़ रुपया उहनां दा पानी दा बकाया बिल खड़ा है, बिजली दा ट्यूबवैल दा, उहनां दे ट्यूबवैलां दा 10-15 साल ते जमा नहीं हो रहा। सरपंच मेरे पास 30 दिन आ जांदा है,
कि जी साडा कनैक्शन कट्टण आ गए। सो ये जिहड़ा सरपंचां दे उपर पंचायतां दे उपर तलवार लमकदी रहिंदी उह बिल्कुल खत्म कर रहे हां। साडी कैबिनेट ने फैसला कर लिया, FM साहब ने मंजूरी देती है, तो असी 1168 करोड़ रुपए के बिजली के बकाए बिल माफ कर रहे हैं पंचायतों के पिंडां दे लोकां नूं राहत देने वास्ते। इहदे नाल ही पिछले बिल तक का जिन्ना बकाया है पिंडां दे लोकां दा, जिस तरह शहरां दे लोकां दा माफ किया है, चाहे वह किसी वर्ग के है, मैं क्लीयर कर देवां। आम तौर पर फिर कह देंगे जी तो फलाने दे किते इहदा उहदे किते, इदां नहीं है। जिहड़ा बंदा पिंड च वस रहा, जिहड़ा बंदा शहर च वस रहा, उन्हां दे पुराने बिजली दे बिलां दे बकाए आ जिहड़े, उन्हां पर अज असी लैन मारती है कैबिनेट ने, उन्हां तों अगे तों नहीं वसूले जाणगे। अगे तों पहला 166 रुपये बिजली पानी का बिल आउंदा है हर पिंड दे हर बसिंदे नूं। हुण असी उहदा फ्लैट रेट करता है, क्योंकि बिजली का जिहड़ा बिल है अगे नूं, मोटर जिहड़ी चलती है उहदा बिल सरकार ने देना अगे तों, असी भरांगे बिजली बोर्ड नूं, बिजली बोर्ड नूं तां पैसे देने पैणे, पंजाब सरकार देगी। तो लोकां दा 166 तों कट के सिर्फ उहनां दा असी खर्चा कैलकुलेट किया कि पिंड दे विच एक बंदा मोटर चलाउंदा, कदे मोटर खराब हो जाती ठीक करनी पैंदी है, कोई लीकेज हो जाती छोटी मोटी, 50 रुपये, क्योंकि यह केंद्र सरकार का एक कानून के विच असी बचे हुए सानू लाने पैंदे है। इस करके 50 रुपये फ्लैट रेट असी लोकां वास्ते करके दे रहे हैं, और 50 रुपये च यह उन्होंने पानी मिलेगा। 70% की रिबेट है असी उन्होंने देती है। अगे तो पंचायत ने पैसे नहीं जमा कराने बिजली दे सरकार उन्होंने देगी। ये दो बड़ियां राहत, मैं धन्यवादी हाँ अपनी कैबिनेट का, अफसर साहबान का, बड़ी सूझबूझ दे नाल, और खास तौर पर फाइनांस डिपार्टमेंट का, जिहड़ा कई साढ़े विरोधी कही जाते खजाना खाली है जी, ये है जी, वह है जी, पंजाब का खजाना कदे खाली नहीं हुंदा, ना ऐसी खाली होने देना, भरिया रहेगा, और ऐसी पंजाब दे लोकां नूं सही प्रशासन और सही सहूलत जिहड़ियां उन्हां दियां बणदियां, सही रेटां ते बिजली और पानी सीवरेज देण लई वचनबद्ध है, सही और पढ़ाई है जिहड़ी उह वधिया क्वालिटी एजुकेशन देण लई वचनबद्ध है, और असीं दवांगे। इस लई एक फैसला ते दो फैसले मैं तुहानूं दस्से आ जिहड़े वड्डे अज पंजाब सरकार वल्लों लिते गए है। एक होर फैसला है जिहड़ा अज असीं वड्डा लिया है कि पिछलियां सरकारां ने फैसला करता सी कि जिहड़े IAS है ये तां होणगे रेगूलर भर्ती, ए क्लास बी क्लास होणगे रेगूलर भर्ती, सी क्लास रेगूलर, लेकिन जो डी क्लास है जिहदे विच चपड़ासी, जिहदे विच ड्राइवर, जिहदे विच बेलदार, जिहदे विच टैक्नीशियन, ज़्यादा गिनती जिहड़ी जिहड़े बंदे ने प्लस टू की है BA तक ही रुक गया, या गरीब परिवारों के बंदे, मिडल क्लास के बंदे जिन्होंने नौकरी नहीं मिल रही, उन्होंने तो यही कुछ लगना होंगे, उन्हां दियां जिहड़ी भर्ती है वह आउटसोर्स कर दिती सी। ऐसी उस डिसीजन नूं सरकार दे नूं बदल रहे हैं। हुण क्या करता सी कि जे चपड़ासी रिटायर हो गया तो पोस्ट भी नाले खत्म हो जानी, अगे इहनूं भर्ती नहीं करना, जे करना है तो आउटसोर्स करना है, आउटसोर्स किन्ना 5,000, 7,000 या 10,000, इहदे च कितें गुजारा हुंदा? जिस तों कम लेना है उहदा परिवार भी पढ़ना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जिस तों कम लेना है सरकार ने, या जिहड़ा किते कोई काम किसी दे घर कर रहा, या किसी की दुकान पर कर रहा, किसी की इंडस्ट्री दे विच कर रहा, उन्हूं गुजारे जोगे पैसे मिलन, ये सरकार की जिम्मेवारी है, ऐसी इंश्योर करना है। लेकिन जे असी आप इस तरह करांगे कि आउटसोर्स के बंदे रखांगे, सारी उम्र उन्होंने तलवार लटकती रहती जब तक नौकरी करते रहते कि अज कटते कल कटते जब मर्जी कट दो, ये सिस्टम असी खत्म कर रहे हैं। ऐसी फैसला कर लिया कि क्लास डी दियां पोस्टां भी रेगूलर भर्ती होणगियां, ते असीं हुणे इहनां नूं भर्ती शुरू करांगे, इहनां दी जिन्नियां पोस्टां खाली है वह भरांगे। गरीब आदमी नूं भी, मिडिल क्लास दे आदमी नूं भी उन्ना ही हक है,
डी क्लास दे अफसर या कर्मचारी नू भी उन्ना ही हक है जिन्ना आईएएस अफसर नू है जिन्ना अफसर नू है कि जे अफसर रेगुलर भर्ती होंदे तां ड्राइवर भी रेगुलर भर्ती होना चाहिए। ये असी फैसला किया। इस दे नाल ही मैं तुहानू बेनती करना चाहुंदा कि कैबिनेट ने अज बड़ा सीरियस व्यू लिया है जिहड़ा बीएसएफ ते सीआरपी केंद्र सरकार ने तुहानू पता है कि उहदा दायरा 50 किलोमीटर कर दिता है। कैबिनेट कुछ दिनों दे विच दुबारे इस ते स्पैशल असी कैबिनेट मीटिंग बुला रहे। असी इस गल तो बिल्कुल खिलाफ है कि इस तरह के फैसले पंजाब सरकार राज दी सरकार जिहड़ी राज विच लागू किए जा रहे उन्हां तो पुछे बिना नहीं ले जाने चाहिए, विदाउट कंसल्टेशन नहीं रहने चाहिए। और जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सबजैक्ट है। असी सक्षम है, पंजाब सरकार सक्षम है, जे पंजाब सरकार दी पंजाब दी पुलिस अतवाद खत्म कर सकती है तां ये सक्षम है कि किसी भी घटना नूं होण तो रोक सकती है। और असी हर तरह की लड़ाई देश वास्ते कौम वास्ते अपने सूबे की तरक्की वास्ते लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते करने नूं तैयार है और असी सक्षम है। इस करके 15 किलोमीटर ते 50 किलोमीटर करना किसी तरह भी जायज़ नहीं है। असी इस दा विरोध करदे बिल्कुल क्लीयर शब्दों के विच कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, मैं चिट्ठी लिखी है। FM साडे होम मिनिस्टर साहब है, इन्होंने होम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिखी है, कैबिनेट दे विच गल करके पास करांगे, जरूरत पई तां ऑल पार्टी मीटिंग करांगे, बाकी पार्टियां नूं भी नाल लेके चलांगे। ये सारे पंजाब की लड़ाई है, कल्ली किसी एक पार्टी की या कल्ले किसी सरकार की लड़ाई नहीं है। इस करके जे जरूरत पई नहीं होएगा तो स्पैशल विधानसभा का सैशन भी इस मुद्दे पर सद्या जाएगा। नाल ही मैं सुखबीर बादल जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मैं उन्होंने बेनती करना चाहता कि सेंसिटिव इशू है, पूरे सूबे की गल है, सूबे की जिहड़ी जो ये कंस्टीट्यूशनल राइट है, स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट दे रिलेशन है, जो फैडरल सिस्टम साडा कंस्टीट्यूशन सानू दिंदा है उस दे अधिकारां दी गल है। इस करके इस नू भड़काऊ शब्दों के ना करो। ऐसी पंजाब दे विच अमन शांति बहाल करना सरकार की जिम्मेवारी है, असी उस ते खड़े है। किसी तरह भी असी अमन शांति भंग नहीं होण देवांगे। जिस तरह के उन्होंने कैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हरिमंदर साहब दे विच आके बढ़ जाएंगे, ये तो हरिमंदर साहब दे विच बाढ़ते जी, ये तो चन्नी ने उत्थे देता जी, कोई यार सानू तां अगले ने पूछा नहीं। एक ऑर्डर कढ़ के अखबारों चों पता लग्या कि यह ऑर्डर निकल गया। इस करके इस तरह की भड़काहट सूबे दे विच पाउण की जरूरत नहीं है। सुखबीर बादल जी, मैं तुहानू रिक्वेस्ट करांगा कि साड़ी असी पहला बहुत अतवाद भोग चुके, बड़ा नुकसान किया है। अकाली दल उसका जिम्मेवार है जिहड़ा पंजाब दे विच पहला अतवाद आया। इन्हां लोकां ने मरजीवड़े तैयार करके, इन्हां लोकां ने पता नहीं क्या क्या किया कि साडे पंजाब की बहुत जवानी का कांड होया। असी पंजाब नूं, मैं तुहानूं इमानदारी नाल दसदा, मैं पिछे जे होम मिनिस्टर साहब नूं मिलिया, उन्होंने मैं रिक्वेस्ट की कि सरकार जिहड़ी मर्जी आवे, मुख्यमंत्री अगला जिहड़ा मर्जी बने, एक मैं थोनों रिक्वेस्ट करदा कि साडा अमन शांति और आपसी भाईचारा सब तो जरूरी है। पंजाब दे विच वख वख धर्मां दे विच आपसी भाईचारा कायम रहना चाहिए, जात बरादरी और धर्मां दे नाम ते साडे बंदिआं नूं एकता होनी जरूरी है। इहदे विच जे कोई भड़ाट करदा वह पंजाब का दुश्मन है, वह देश का दुश्मन है। इस करके सुखबीर बादल जी अननेसेसरीली बिना मतलब तो हरिमंदर साहब के पड़ जाएगी आके दुर्गियाना मंदिर, ये क्या मतलब है? गल्ला करन दा लड़ाई हैगी है फैडरल सिस्टम की, लड़ाई है पंजाब के अधिकारां की, लड़ाई है लॉ एंड ऑर्डर की। और सरकार पंजाब की इस नाल पूरी तरीके दे नाल केंद्र सरकार नाल इतफाक नहीं रखती कि जी इहनूं 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर कर दिता जाए।
कोई जरूरत नहीं। मैनू यह कहा गया जी ड्रोन आते उधर से उन्हां दी रेंज 50 किलोमीटर है, ऐ तो उधर तो जहाज भी आते उन्हां दी रेट 200 किलोमीटर है, दिल्ली तक जाती है 250 किलोमीटर तक, उधर तो हैलीकॉप्टर भी आ सकता है, उसकी रेंज उस तो भी ज़्यादा होती है। तो ड्रोन में जो रोकना 5 किलोमीटर से रोक लो ना जिते बैठे हो, 50 किलोमीटर तक करके रोकने की क्या लोड़ है? इधर साड़ी पुलिस बैठी असी रोकांगे, जो साड़ी ड्यूटी असी करांगे, जो केंद्र की ड्यूटी है वह केंद्र अपने दायरे में रह के करे। इनिया एक मैं होर बेनती करनी है कि अज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मक्खू पट्टी रेल लिंक है जी, ओदा मुआवजा जिहड़ा उत्थे जमीन अक्वायर होनी है वो पंजाब सरकार बड़ी छेती उदा मुआवजा दे के अज फैसला ले लिया कि मुआवजा दिता जाए, मुआवजा दे के जमीन ऐसी बड़ी छेती उन्हां नूं केंद्र सरकार नूं रेलवे नूं आप खरीद के देवांगे ताकि ये जिहड़ा रेल लिंक है जिहदे नाल पूरा देश नाल ऐसी जुड़ना जिहदे नाल जिहदे नाल पंजाब दी इकोनमी दे उपर बहुत बड़ा फायदेमंद असर होना, ये भी असी अज फैसला किया कि तुरंत असी दे दी। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। यार जे एदे नाल संबंधित गल करो जिहड़ियां मैं चार गल्लां कीतियां सुनो, ऐसे ही कच्चे कर्मचारियों की पॉलिसी लेके आ रहे, उन्होंने पक्के करन दी बड़ी छेती आ जाएगी। साढ़े वालों दिन रात मेहनत और कोशिश की जा रही इंपलाइज नूं ज़्यादा तो ज़्यादा अकोमोडेट करन दी, अपने वित्त दे अनुसार असी जो ज़्यादा तो ज़्यादा कर सकते करांगे। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਕਲਾਸ ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, 1166 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, 700 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕਸ਼ਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਭੇਜਣ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ 13-point ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 13-point ਹੋਣ 18-point ਹੋਣ 21-point ਹੋਵੇ 24-point ਹੋਣ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਐਸੀ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਏ ਔਰ ਐਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣੋ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮਸਲੇ ਧੰਨਵਾਦ